मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपसे एक बात करनी थी सर। मांगने के अलावा और कोई बात करना? सर मैं ये कह रहा था कि हाँ बोलो। सर मैं वो कह रहा था। अच्छा एक काम कर लो, पहले तुम पूरी तरह से शर्मा लो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि रमज़ान चल रहा है तो कुछ बोनस वगैरह दे दे मुझे, और फिर ईद भी तो नज़दीक है। क्या बोनस? जी सर। पहले तुम खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि क्या तुम बोनस लेने के काबिल हो। जी सर थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या कंपनी डूब रही है और तुम्हें बोनस चाहिए? मैं यहाँ कंपनी बंद करने का सोच रहा हूँ, लेकिन करता नहीं कि तुम लोग सारे बेरोजगार हो जाओगे, और तुम्हें बोनस चाहिए, थोड़ा सा भी एहसास है तुम लोगों को? सॉरी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम फाइजा जानू। माशाल्लाह खूब फाउंडेशन चल रही है, लोगों को सहरिया करवा रहे हो। एक काम करो, कल मेरी तरफ से सब लोगों को शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाओ। कितने पैसे भेजूं? 15 लाख या 20 लाख? अच्छा कोई नहीं, मैं 50 लाख भेजता हूँ। क्या 42,000 लोगों को सहरी खिला रहे? ओहो हो माशाल्लाह चश्मे बद्दूर। बस कल मेरी तरफ से सबको शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाओ, मुझे भी सवाब में शामिल हो जाए। मेरे नाम का एक बैनर भी बनाना मेरी तस्वीर के साथ, और वीडियो बना के मुझे सेंड करना। ये क्या सर, आप 50 लाख रुपए के गोश्त खिला रहे हो सबको, लेकिन हमें छोटा सा बोनस नहीं दे रहे हो? ये भी तो एक किस्म की नेकी है सर। अच्छा ओ मेरे भाई, हम बस वही नेकी करते हैं जो नजर आती है, और इससे नाम भी बनता है, शोहरत भी मिलती है। सोचो जब ये वीडियो बनेगी तो कितना वायरल होगा, और मेरी कंपनी लोगों के दिमाग और दिल में आएगा, और कितने लोगों को पता लगेगा कि मैंने 50 लाख रुपए का गोश्त खिलाया लोगों को, वो भी शुतुरमुर्ग का, तो मेरी तो होगी ना वाह वाह। अब तुम जैसे भूखे नंगे लोगों के लिए कुछ करेंगे तो घंटा किसी को कुछ पता चलेगा। जाओ अब ज्यादा दिमाग मत कहो। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। Thank you.